वशीकरण का उपाय कि कैसे आप कागज पर एक मंत्र लिखकर अगर आप उसे जला दें तो आपका खोया हुआ प्यार आपके लिए कैसे तड़पने लगेगा। भक्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा आसान सा वशीकरण का उपाय कि कैसे आप कागज पर एक मंत्र लिखकर अगर आप उसे जला दें तो आपका खोया हुआ प्यार आपके लिए कैसे तड़पने लगेगा और वो आपके लिए बेकरार हो जाएगा। ये वशीकरण मंत्र महाशक्तिशाली टोटका है जिसे लाखों लोगों ने आजमाया और उनकी प्रेमिका उनके पास वापस लौट के आ गई। तो अगर आप भी इसको करते हैं तो आपको एक बात तो अच्छे से याद रखनी है कि आप इसका बिल्कुल भी गलत किसी भी गलत इंटेंशन से किसी भी गलत इरादे से इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। मंत्र आपको एक कागज़ पर लिख लेना है। आप इस मंत्र को यहाँ से देख लीजिए, मैंने कागज़ पर पहले से ही लिख के रखा हुआ है। इस मंत्र को इस तरह से एक कागज़ पर आप लिख लीजिए, वशीकरण मंत्र, ओम कट विकट द्योरापिणी अमुकम वश मनाए स्वाहा। अब अमुकम की जगह पर आपको लिखना है उस लड़की का या उस प्रेमिका का जो आपकी ज़िंदगी से रूठ के चली गई है, उसका नाम इस पर लिखना है। और उसके बाद इस कागज़ को आप अपने सामने रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, एक कटोरी लेनी है अपने घर में, कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, और आप उसके अंदर कपूर ले लीजिए और आपको चाहिए होगी एक साबुत लौंग। अब आपको इस मंत्र को पढ़ना है, 51 बार इसको पढ़ना है और उसके बाद लौंग पर फूंकना है और लौंग को इस मंत्र पर छूना है। जहाँ पर आपने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है ठीक उस जगह पर आपको इस मंत्र को पढ़कर अपने मुंह से फूंक मारनी है और उसके बाद यहाँ पर छू देना है। यानी कि इस नाम पर आप 51 बार जब लौंग से छुएंगे उसके बाद आपको इस कागज़ में इस लौंग को ऐसे रख देना है। और एक जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक कटोरी लेनी है और उसके अंदर कपूर ले लेना है इस तरह से। अब हम इस कपूर को जलाएंगे। एक बात और याद रखें कि ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है। रविवार को आप इसे रात में कीजिए, लेकिन 12 बजे से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी कि शाम हो जाए जब अंधेरा हो जाए उसके बाद से लेकर आप 12 बजे से पहले पहले इसको कर लें। क्योंकि ये प्रेम वशीकरण मंत्र है इसलिए इसका उपयोग 12 बजे के बाद बिल्कुल ना करें। और अब आपको बताते हैं आगे का तरीका क्या है। आप कपूर को जला लीजिए और ये जो मैंने जैसे मंत्र लिखा है कागज़ पर इसी तरह से आपने भी लिखा होगा, लौंग को इसके अंदर रहने दीजिए और आपको इस कागज़ को इसमें जलाना है। जलाते टाइम एक और बात याद रखें कि जिस भी प्रेमिका या लड़की जिसको आप अपने ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। अगर आपके पास उसकी कोई तस्वीर हो, चाहे मोबाइल में हो या फिर किसी कागज़ पर हो, आप उसकी तस्वीर सामने रखें, उसके बारे में सोचें और इस पेपर को आपको इसमें इस तरह से जला देना है। जैसे जैसे पेपर जलेगा आपके प्रेमिका और आपके बीच में जो भी झगड़ा था, जो भी लड़ाई थी जिस वजह से वो आपके जीवन से रूठ कर चली गई, वो ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन में वो वापस आ जाएंगी। तो आप इस उपाय को कीजिए। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अब ये जब कागज़ पूरी तरह से जल जाए, इसके अंदर जब राख बन जाए, तो आपको क्या करना है, इस राख को ले जाना है और बहते हुए पानी में इसका विसर्जन कर देना है। उस समय भी, विसर्जन करते समय भी, अपनी प्रेमिका का चेहरा अपने दिमाग में रखिए और उनके बारे में सोचते रहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रेमिका का फ़ोन आएगा या कोई मैसेज आएगा और वो आपके जीवन में वापस आ जाएंगी। तो इस उपाय को आप भी कीजिए। ये वशीकरण का महाशक्तिशाली उपाय है, बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और आपके जीवन में भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।